हेलो एवरीवन, काफी कैंडिडेट्स के द्वारा पूछा जा रहा है कि आर ओ आर ओ का री एग्जाम होगा या नहीं होगा और पेपर कैंसिल होगा भी या नहीं होगा। देखिए, दोनों चीज़ों के बारे में वन बाई वन बात करता हूँ। पहली चीज़ ये कि एग्जाम दोबारा होगा या नहीं होगा, जरूर होगा एग्जाम। कितना भी टाइम क्यों ना लगे लेकिन एग्जाम दोबारा जरूर होगा, कैंसिल जरूर होगा, चाहे कभी भी हो। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो आप ये समझ के देखो, इस चीज़ को आप समझो कि कैंडिडेट दोबारा से किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर पाएगा। जो हालात दिख रहे हैं आपको, जो आपने आंसर की पहले से देखी है, जो इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं आपकी आंखों के सामने 11 तारीख के पहले से लेकर के 11 तारीख के बाद तक, आज 22 तारीख हो रही है, कोई भी पेपर लीक हो सकता है फिर। और इस लेवल पर जो ये नकल माफिया जो पूरी सारी चीज़ें कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको ताकत मिलेगी। तो इसलिए पेपर लीक होना तो तय है, बस बात वही है कि ये चीज़ जल्दी हो जाए, इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जो इतने आपके संगी साथी हैं लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जा रहे हैं अपनी ट्विटर के थ्रू, एक्स के थ्रू ट्वीट कर रहे हैं, लगातार अपनी जो मांग है, जो अपनी चीज़ है, जो अपनी प्रॉब्लम है, अपनी समस्या है, उनको शासन तक, आयोग तक पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये सही चीज़ नहीं है। इंसान मेहनत नहीं कर पाएगा, इंसान मेहनत में भरोसा नहीं कर पाएगा, इंसान अपने सपनों में भरोसा नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो सामने सामने ये चीज़ देखेगा कि भाई वो मेहनत कर रहा था लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है, सामने सामने एक इंसान आया और वो इस तरह से दो नंबर के काम से चीज़ें करके ले गया। तो इसलिए पेपर तो होगा, अधीर मत होइए, धैर्य रखिए। देखिए, पेशेंस रखना कभी कभी बहुत जरूरी होता है, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, ऐसा मुद्दा है कि इसमें थोड़ा समय लग रहा है और इसमें ऐसी चीजें हैं कि एक दिन में नहीं होनी है, इसीलिए ये थोड़ा टाइम लग रहा है। आयोग का सिरा सा एक है कि जब तक हम एक्चुअल में जांच नहीं कर लेते हैं, हम दोषियों को पकड़ नहीं लेते हैं, हमें थोड़ा सा एकदम शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें नहीं मिल जाती हैं, तब तक हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें उनको मिलती दिखाई दे रही हैं। आपने भी एक कल जो पत्र है वो देखा होगा आयोग का, कि उसमें उन्होंने 58 जिलों से जो भी मेन मेन चीज़ें हैं, जैसे होता है ना कि वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, जैसे ऐसे पेपर गया है इधर उधर, बंडल ओपन तो नहीं है, सारी चीज़ें, तो उसकी जितनी भी चीज़ें हैं बेसिक वो उन्होंने मंगाई हुई है, वो उसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद वो इसके ऊपर अपना कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकालेंगे। तो इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना है। अभी आपने बहुत इधर जब से ये पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं, नेगेटिव इन द सेंस की अभी बीच में एक बहन थी, उन्होंने यू नो अपनी लाइफ को खत्म करना ही उचित समझा जस्ट बिकॉज ये पेपर हो गया, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी एंड उसके अलावा भी और जो इशूज थे। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लाइफ की एक आखिरी चीज़ नहीं है, आपकी तैयारी है नहीं है, आप आगे और बेहतर कर सकते हो यहाँ से, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ये चीज़ हो गई है तो इससे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है। सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप इस चीज़ को समझिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके कमेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, 11 तारीख के बाद से पढ़ाई नहीं हो रही है, यूपी पीसीएस एग्जाम लगा हुआ है लेकिन उसके लिए भी फोकस नहीं हो पा रहा है, आर ओ आर ओ का अगर एग्जाम होगा तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से पढ़ाई क्या करें। देखिए, इस लूप से, इस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा, आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर री एग्जाम भी होगा तो आपको दोबारा पेपर देना होगा, तो उसके लिए आपकी तैयारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ते तो जरूरी है, पढ़ाई को छोड़ देना ये ऑप्शन नहीं होता है। तो ये बात आपको समझना है कि री एग्जाम जरूर होगा, कब होगा इसके लिए थोड़ा सा एक बात की जा रही है कि वो जल्द से जल्द हो। फिर भी अगर पेपर कैंसिल हो जाता है, समय रहते कैंसिल हो जाता है, जल्दी कैंसिल हो जाता है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्शन के बाद आपका एग्जाम हो सकता है। अभी कुछ श्योर नहीं है, इसलिए किसी भी चीज़ को हार्ड एंड फास्ट रूल आप मत मानो। अभी पूरी जो लड़ाई चल रही है वो ये चलिए जल्द से जल्द कैंसिल का नोटिस मिले, रद्द हो जाएगा उसके बाद पेपर तो कभी भी हो जाएगा, वो इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सीधी सी बात है, एक दो महीने में हो जाएगा नहीं होगा तो इलेक्शन के बाद होगा, जिसकी संभावना ज्यादा दिख रही है। तो इसलिए ये आपको पहले तो भरोसा रखना है, खुद पर भी भरोसा रखना है, जो साक्ष्य आपके पास है उन पर भी भरोसा रखना है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जिस भी किसी के पास एक्चुअल में साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, उनको आप शपथ पत्र के साथ आयोग में भेजिए। अगर आपको खुद भेजने में हिचक है या आपको किसी तरीके का डर है, कोई बात है कुछ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकरण में आपकी हेल्प करने को तैयार है, लगातार आपकी सहायता कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स भी ऐसे हैं और भी काफी लोग ऐसे हैं, तो उनके थ्रू हेल्प लेकर आप वहाँ तक पहुंचाइए या उनको भेज दीजिए तो वो भी पहुंचा देंगे। तो आपके लोग हेल्प करने को तैयार है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ पूरी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो खड़ी हुई है, आप सच का साथ दे रहे हो और आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में घबराना नहीं है, कहीं से भी आप फंसोगे नहीं। मतलब सबसे पहली चीज़ यही आती है कि यार हमने बता दिया तो या तो हम फंस जाएंगे या हमारा जो संगी साथी है जिसने हमको भेजा था वो फंस जाएगा, तो इस तरीके की कोई चीज़ आपके साथ नहीं होने वाली है, ये चीज़ आपको समझना है। आयोग कोई रिजल्ट तभी कोई ना कोई किसी रिजल्ट पे तभी आएगा, वो कंक्लूजन तभी निकलेगा कोई ना कोई, जब उसको एक्चुअल में कोई ना कोई ऐसी सॉलिड चीज मिल जाएगी, तो वो सॉलिड चीज अगर आपके पास है तो वो आपको प्रोवाइड करानी है आयोग को। तीसरी चीज़ ये है कि कल 23 फरवरी को 10:30-11 बजे के आसपास अगर आप प्रयागराज से हो या प्रयागराज के आसपास आप उसके आसपास से हो और आप जा सकते हो, तो फिर वहाँ पर बहुत सारे छात्र जुटने वाले हैं, अपनी मांग को शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ पर रखेंगे, तो आप भी उनकी आवाज़ को उठाने में सहयोग दे सकते हैं, उनको उनके साथ अपना साथ दीजिए। अगर आप नहीं जा सकते हैं कोई बात नहीं, ट्विटर के जरिए यानी कि एक्स के जरिए आप ट्वीट कर सकते हो, सब लोग मिलकर ट्वीट करो, मैं भी ट्वीट करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, इस चीज़ को ऊपर तक उठाओ, शेयर करो कि भाई जो जो हुई है उनकी सघनता से जांच की जाए और जल्द से जल्द आपको निर्णय दिया जाए, एक आपको रिजल्ट दिया जाए कि हाँ भाई हमें ये चीज़ है। सिर्फ एक चीज है कि भाई री एग्जाम हो, जो चीजें आप हुई हैं पिछले मतलब 11 तारीख के एक दिन पहले से ही जो भी चीजें हुई थी और उसके बाद आप लगातार जैसे पेपर हुआ है, जैसे एक पेपर हो गया था जीएस, उसके बाद से सारी चीजें सर्कुलेट होने लगी थी, तो वही 11 फरवरी की दोपहर से जो भी चीजें आप आज 22 फरवरी तक देख रहे हो उनको आपको उठाना है ऊपर तक, सो दैट जन जन तक ये बात पहुंचे कि भाई देखो क्या हुआ है। और जो भी दोषी लोग हैं, जो भी ऐसे नकल माफिया हैं जिन्होंने इस चीज को बढ़ाने में सारी एक उनकी जिनकी संलिप्तता है, वो लोग पकड़े जाएं और इसके लिए एक श्योर शॉट इसका एक रिजल्ट निकाला जाए कि हाँ भाई ये चीज दोबारा किसी एग्जाम में ना हो। देखो यार, अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है 17 मार्च को, ठीक है, अगले महीने उसका एग्जाम है, क्या गारंटी है कि उसमें भी ये हरकत नहीं होगी? यूपी पुलिस में क्या हुआ है आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें हैं उसकी अलग से जाँच चल रही है, उसके लिए भी जो प्रोन्नति बोर्ड है उसने, यूपी पुलिस वाला जो प्रोन्नति बोर्ड है उसने अपना जो एक पत्र है वो निकाल दिया है, आयोग का आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है। तो इसलिए आपको अपनी मांग को शांतिपूर्वक ढंग से, गरिमा बनाए रखते हुए ढंग से अपनी बात को ऊपर तक उठाना है, अपनी बात को शेयर करना है। अगर आप नहीं जा सकते हो तो ऑब्वियसली ट्विटर के जरिए अपनी बात को शेयर करो और साथ दो, और किस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से यातायात के प्रबंधन में कोई ऐसी दिक्कत ना है, कहीं और किसी तरीके की कोई मिसहैप ना हो, लेकिन
साथ दीजिए, एकजुट होकर के अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाइए, क्योंकि ऊपर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर आज आप नहीं खड़े होगे, आज अगर आप इस बारे में बात नहीं करोगे और आप इस चीज को जाने दोगे कि अरे चलो ठीक है चलता है, अगर चलता है वाला एटीट्यूड रहेगा तो अगले किसी भी एग्जाम के लिए आप मन लगा करके एकाग्रचित होकर के तैयारी नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपको कोई गारंटी नहीं रहेगी कि भाई आप अगर मेहनत से पढ़ाई करो तो आपका सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब आपके ऊपर है कि आप इस पर क्या डिसीजन लेते हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता, उनके लिए फिर मतलब कुछ कहने को नहीं, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। लगातार इतने लोग हैं, अभी एक दो दिन पहले आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग में सुबह से लेकर यानी कि 10:30-11 बजे से लेकर के रात तक लोग लगातार बैठे रहे, लगातार उन्होंने अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाया है। उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला, जो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के जो अध्यक्ष जी हैं उनके आवास के बाहर तक जाकर के उन्होंने अपनी बात को ऊंचा उठाया, अपनी बात को सामने रखा। तो लगातार लोग प्रयासरत हैं, वो भी आप ही की तरह हैं, वो भी आप ही की तरह संगी साथी हैं। उनका भी पेपर था 11 फरवरी को, उनका भी हो सकता है कि पेपर यूपी पीसीएस का अभी 17 मार्च को, लेकिन वो तब भी लगे हुए हैं। और अगर आप नहीं जा सकते हो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर मुद्दा मैंने ये नहीं है कि सब लोग जबरदस्ती पहुंची जाए, मुद्दा ये है कि आप एक दूसरे का साथ दें। और आप स्टूडेंट की जो बात है, ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है पेपर लीक की, इसको आप ऊपर तक उठाएं। अब सपोज आप अगर मेरठ में रह रहे हैं, मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं, बुलंदशहर में रह रहे हैं या फिर आप नोएडा में रह रहे हैं, अगर आप नहीं जा सकते हैं, अगर आप कानपुर में रह रहे हैं, प्रयागराज नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम आप ट्वीट तो कर सकते हैं ना। तो आप ट्वीट करिए 10:30-11 बजे से लेकर कल सुबह से लेकर ट्वीट करिए, कम से कम ऊपर तक इस बात को पहुंचाइए। आई होप कि मैं अपनी जो बात आप तक पहुंचाना चाहता था मैं पहुंचा पाऊंगा। और गरिमा के साथ आपको ये सारा काम करना है, कहीं पर भी आपको कोई ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे एक गलत संदेश जाए। और जो एक्चुअल में प्रकरण है, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जो समस्या है इस समय छात्रों के सामने, अभ्यर्थियों के सामने, उससे मामला भटक जाए, उससे जो ध्यान है वो भटक जाए और बात कहीं और चली जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां पर छात्रों का जो मेन, जो छात्रों की जो मेन समस्या है वो ये नहीं है कि किसी तरीके से कोई माहौल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेन मुद्दा यह है कि जो भी ये पेपर लीक की चीजें हुई हैं, इनकी जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द जांच पूरी हो, पेपर को कैंसिल किया जाए और दोबारा एग्जाम कराने की बात हो, री एग्जाम हो। हाँ, उसमें आप डेट ना निकालो, ठीक है चलो, थोड़ा बहुत अगर उसमें आप टाइम ले भी लेते हैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप इलेक्शन के बाद करा लो, वो भी स्टूडेंट को मंजूर है। लेकिन कम से कम जो स्टूडेंट मेहनत से पढ़ाई करके दिन रात लगा हुआ था और वो पेपर देकर के आया और वो पेपर देकर निकल रहा, उसको पता चला सब तो पहले से ही आउट था, तो ये चीज भविष्य में ना हो किसी भी अभ्यर्थी के साथ। इस चीज के लिए अगर आप सहमत हैं तो आप अपनी आवाज उठाइए, शेयर करिए, ऊपर तक पहुंचाइए और ये मांग करिए कि ये एग्जाम होना चाहिए। थैंक यू सो मच।